ये देखिए भाई, हम लोग का मटन अभी लगभग अब रेडी होने वाला है और मटन को लगभग अच्छी तरह से भून रहे हैं भाई। ये देख सकते हैं अभी अच्छी तरह से भुंजा रहा है मटन और काफी लाजवाब लग रहा है भाई। ये देख सकते हैं रेसिपी, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। स्वाद के लिए थोड़ा सा ऊपर से मटर डाल दिए क्योंकि तो थोड़ा सा स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और काफी बढ़िया लगता है। देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग का देसी जुगाड़ जो है चूल्हा और ईटा ईटा का चूल्हा बनाए हुए है। और ये देख सकते हैं मटन हम लोग का, ये है मटन। इसको दो तीन पानी में धोएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं अभी मटन को अच्छे से धो ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मटन इस तरह से जा रहा है और ये कढ़ाई में हमारा जा चुका है मटन। फिर इसको ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग का मटन बन चुका है और काफी लाजवाब यहाँ पे देख सकते कलर कितना बढ़िया से निखर के आ चुका है। चलिए अब लोग हम मटन खाते हैं और बताते हैं आप लोग कैसा टेस्ट है। ये देखिए भाई, सुपर, काफी गर्म है भाई। स्वागत है दोस्तों राजसंदीप ब्लॉग्स में। तो आप सभी को 2024 की 9 साल की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। सबसे पहले आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज नया साल इन हुआ है। तो आज नया साल में मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ, सोचा घर में ही कुछ बना लूं और लाया हूँ खांसी वाला मीट और वो बनाऊंगा मैं खुद अपने हाथों से। क्योंकि मटन चिकन जो बना है जो होटल में बनता है उसका रेसिपी तो काफी टेस्ट रहता है। मैं एक बार खुद ट्राई करूंगा और घर में ही मटन लाया हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां का जो रेसिपी जो बनाने वाला हूं वो सारा कुछ दिखाऊंगा और कैसे बनाता हूं। कोशिश करूंगा कि थोड़ा होटल जैसा बनाऊं और बढ़िया से इसको अच्छा से फ्राई करूं और अच्छा से भूंज के खाऊं लटपट भूंजल खसी भात। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू और दिखाते हैं आप लोग को यहाँ पे किस तरह हम लोग वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो में बने रहेगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक करेगा, चैनल में पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास ये मटन आ चुका है, इसको अच्छा से धोएंगे। ये देख सकते हैं ये वाला नाली वाला पीस भाई, वो काफी मजा आने वाला है, काफी दमदार लगने वाला है। चलिए इसको फटाफट धोते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको अच्छा से धोते हैं, इसको अच्छा से धो लेंगे पानी में डाल के, अच्छा से दो तीन बार पानी में धो लेंगे। फिर देखेंगे कैसा लगता है भाई यहाँ पे जो खांसी का मीट है वो कैसा लगेगा। ये देखिए भाई, थोड़ा सा बाल उल है, इसको थोड़ा हटाना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा साफ करना पड़ता है क्योंकि दुकान का चीज है भाई तो जल्दी साफ नहीं होता है। ये देख सकते हैं थोड़ा सा उसको, ये देख सकते हैं अभी मटन को अच्छे से धो ले रहे हैं। ये देखिए मटन का पीस, देखिए भाई काफी बड़ा बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा पीस है। चलिए इसको भून के बनाते हैं और बताते हैं कैसा लगता है यह मटन। तेल जा चुका है दोस्तों, तो 1 kg अभी मटन लाए हुए हैं और ये देख सकते हैं तेल अभी हम लोग इस तरह से 250 ग्राम लगभग डाल दिए हैं, उससे ज्यादा लेकिन कम नहीं। ये देख सकते हैं ये तेल जा चुका है। उसके बाद फिर इसमें हम लोग देख जाएगा, ये देख सकते हैं जीरा अभी डाल रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा होटल का तरीका से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख सकते हैं जीरा डाल दिए हैं, थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं। उसके बाद फिर मिर्चे यहाँ पे खड़ा मिर्चा 2-4 फोरन डाल देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लाल मिर्चा डाल दिए हैं जो टेस्ट को चेंज कर देगा। थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन डाल दिए हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं भाई, यहाँ पे 1/2 kg लगभग यहाँ प्याज है और इसको पूरा जा चल गया दोस्तों। फिर इसको अच्छी तरह से भूंजेंगे, प्याज को अच्छी तरह से भूंजाएगा, प्याज को अच्छी तरह से भूंजेंगे और जिस तगड़ा से यहाँ पे डाल रहे हैं भाई कड़वा तेल में अच्छा से प्याज को भून लेंगे। उसके बाद पूरी अच्छी तरह से इसको लाल होने देंगे। फिर लाल होने के बाद इसमें फिर मटन जाएगा और मटन को फिर बनाएंगे, वो काफ़ी बढ़िया से बनाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा आप लोग, होटल में बहुत सारे मैंने दिखाया आप लोग को, घर में मैं खुद से बनाता हूं, तो देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है भाई। लोग यहां पे मिक्सी में मिक्सी मसाला मसाला वगैरह पीस रहे हैं और ये देख सकते हैं यहां पे हम लोग का यहां पे ये जा चुका है मिर्चा वगैरह सारा कुछ यहां पे देख सकते हैं, अदरक लहसुन सारा देख सकते हैं, मिर्चा डाल दिए हैं दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग पास गर्म मसाला आ चुका है, ये गर्म मसाला भी डालेंगे हम लोग। ये देख सकते हैं गर्म मसाला, खड़ा गुड़ा गर्म मसाला यहाँ पे डाल दे रहे हैं चुका है दोस्तों।
ये देख सकते दोस्तों हमारा मसाला पिसा चुका है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें मटन बनाएंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे मसाला इस तरह से हम लोग पीस लिए हैं। ओके, ये देख सकते हैं दोस्तों प्याज अच्छा से भून लिए हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा भाई मटन। ये देख सकते हैं अभी मटन जा रहा है। ये देखिए ये बड़ा बड़ा मटन यहाँ पे जा रहा है, जा रहा है। और ये कढ़ाई में हमारा पास जा चुका है मटन। फिर इसको अच्छे तरह से भूंजेंगे, तो बढ़िया से इसको अच्छा तरह से भूंजेंगे। देख सकते हैं हम लोग मटन को डालती हैं कढ़ाई में, तो पकड़ लेते हैं यार इधर उधर हिल जा रहा है। देख सकते हैं अभी ये देखिए मटन को अभी अच्छी तरह से प्याज में डालती हैं, और प्याज के साथ इसको अच्छी तरह से भूंजेंगे। पहले आधा घंटा पर इसको अच्छी तरह से भूंजेंगे, उसके बाद फिर भाई खाएंगे हम लोग फिर पूरा बना हुआ एकदम पूरा रेसिपी दार मटन यहाँ पे। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी मटन अच्छी तरह से यहाँ पे इसको इस तरह से नमक डाल रहे हैं, और स्वाद अनुसार हम लोग नमक डाल दिए हैं। देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा गल जाए इसलिए थोड़ा नमक डाल दिए हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी यहाँ पे हल्दी जा रहा है, और स्वाद अनुसार हम लोग हल्दी डाल दिए हैं। ये हल्दी जा चुका है, तो फिर इसको अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं अभी यहाँ पे मसाला डाल दिए हैं। ये देख सकते हैं मिक्स मसाला यहाँ डाल दिए हैं। हमको दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे पूरा देसी जुगाड़ लगाया है। मटन जो इसमें लकड़ी वाला चूल्हा में जो बनता है ना दोस्तों, वो काफी टेस्टदार रहता है। तो सोचा कि हमने थोड़ा सा लकड़ी वगैरह लगा लाया, उसके बाद मटन बनाया दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हम लोग भूंज रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ था उस पर भी देख सकते हैं इस तरह से हम लोग बना रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पे चूल्हा जो बनाया ना भाई देसी तरीका से, वो तगड़ा वाला यहाँ पे चूल्हा बन रहा है, तो थोड़ा सा धुआं धुआं लग रहा है। आपने खुद से बना रहे, चलिए देखते हैं ट्राई करते हैं टेस्ट कैसा लगेगा मटन का, वो काफी लाजवाब लगने वाला है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों अभी हम मसाला जा रहा है। ये देख सकते हैं मसाला जा चुका है, और मसाला को अच्छी तरह से हम लोग भूंजेंगे। मसाला को अच्छी तरह से बनाए हुए हैं, तो देसी तरीका से सोचे कि थोड़ा बाहर में बनाया जाए खाना को, वो तगड़ा लगने वाला है दोस्तों। ये देख सकते हैं पूरा कलरफुल आ चुका है। ये देख सकिए अभी मसाला तुमको झाल लगता है। ये देख सकते हैं मसाला वगैरह सारा डाल दिए हैं, उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से भूंजेंगे, और बहुत तगड़ा लगने वाला है भाई मटन। ये देखिए चलिए इसे थोड़ा सा ढकते हैं भाई। थोड़ा सा देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का देसी जुगाड़ जो है चूल्हा, और ईटा ईटा का चूल्हा बनाए हुए है, और ये देख सकते हैं मटन हम लोग का, ये है मटन। ये देखिए भाई लटक रहा है भाई, पानी डालो थोड़ा सा भाई, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा भाई, मटन स्वाद नहीं लगेगा। देख सकते हैं मटन को अच्छी तरह से भूंज रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे मटन अब भूंजा गया है, लगभग तगड़ा वाला मटन भूंजा रहा भाई। देख सकते हैं अभी इस तरह से मटन हम लोग का ये बन रहा है। ये देखिए भाई कितना बढ़िया से कलर आ चुका है मटन का, और ये खुद से बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है होटल का बना हुआ है। ये देखिए भाई हम लोग का मटन अभी लगभग अब रेडी होने वाला है, और मटन को लगभग अच्छी तरह से भूंज रहे हैं भाई। ये देख सकते हैं अभी अच्छी तरह से भूंजा रहा है मटन, और काफी लाजवाब लग रहा है भाई। ये देख सकते हैं रेसिपी देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, और कितना बढ़िया से कलर निकल के आ चुका है, ऐसा लग रहा है सच में हम लोग होटल में बना रहे हैं, और होटल का बना हुआ मीट जैसा लग रहा भाई। ये देख सकते हैं ये दमदार अभी मीट लगेगा भाई, और जो लकड़ी का चूल्हा में जो बनता ना भाई, वो काफी बढ़िया लगता है। ये देख सकते हैं अभी गर्मा गर्म अभी मटन अभी निकलेगा, ये गर्मा गर्म अभी मटन बन के रेडी होने वाला है भाई। ये देखिए पीस भी काफी बढ़िया बढ़िया खरीदे हुए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो लकड़ी का चूल्हा में जो बना रहे ना, वो काफी टेस्ट लगेगा मटन। इसको थोड़ा सा अभी और आधा घंटा इसको भूंजेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी हम लोग का मटन बन चुका है, बनकर रेडी होने वाला है, और ऊपर से हम लोग एमडीएस डाल रहे हैं मीट का मसाला,
वो देख सकते हैं यहाँ पे डाल दिए हैं MDH। अभी देखिए कितना बढ़िया सभी कलर और निखर के आ जाएगा। ये देखिए भाई हम लोग इस तरह से MDH को डाल दिए हैं। थोड़ा सा स्वाद के लिए थोड़ा सा ऊपर से मटर डाल दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और काफी बढ़िया लगता है। ये देखिए अभी लकड़ी का चूल्हा में इस तरह से हम लोग बना रहे हैं। अब मटन को इस तरह से अच्छी तरह से भूंज रहे हैं भाई। अब भाई ये लगभग देख सकते हैं इस तरह से भूंज रहे हैं हम लोग और ये लगभग भूंजा के रेडी हो चुका है। और देख सकते हैं मटन कितना लजीज लग रहा है, ऐसा लग रहा है सच में हम लोग होटल में बन रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं और ये जो चूल्हा जो जला है भाई लकड़ी का चूल्हा वो काफी लाजवाब लग रहा है। ये देख सकते हैं तो फाइनली हम लोग का बन के अब रेडी हो चुका है दोस्तों। तो ऊपर से देख सकते हैं चर्बी वगैरह डाल देंगे, इसको अच्छा से मिला देंगे। देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से इसको मिला दिए हैं और ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग डाल दिए हैं भाई पानी थोड़ा सा। तो फाइनली गाइस हम लोग का अब देख सकते हैं मटन अब लगभग उबल चुका है। ऊपर से धनिया पत्ता डाल रहे हैं, ये धनिया पत्ता जा चुका है। तो देख सकते दोस्तों हम लोग अभी चावल निकाल रहे हैं और इस तरह से हम लोग चावल इस तरह परोस रहे हैं। कुकर में हम लोग जो बनाते हैं वो काफी लाजवाब है। ये देखिए दोस्तों फाइनली हम लोग का मटन बन चुका है और काफी लाजवाब यहाँ पे देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया से निखर के आ चुका है। चलिए अब लोग हम मटन खाते हैं और बताते हैं आप लोग कैसा टेस्ट है। ये देखिए भाई यहाँ पे मटन आपको इस तरह देखने को मिलेगा। चलिए थाली में हम लोग परोस चुके हैं, चावल और एक इडली भी है। ये देखिए हम लोग के पास ये मटन आ चुका है, ये मटन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा ग्रेवी ले लेते हैं भाई। ऊपर करो तो देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हम लोग पास मटन आ चुका है और ये भाई इसका ग्रेवी देखते कितना बढ़िया गाढ़ा निखर के आ चुका है और खुद से बना है, अच्छा लग रहा है। सुपर टेस्ट है भाई, होटल भी फेल हो गया, मजा आ गया। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। चलिए मटन का टेस्ट देखते हैं कैसा लगता है। सुपर, काफी गर्म है भाई। मस्त टेस्ट लग रहा है मटन, मुझे भी नहीं पता था कि इतना बढ़िया हम बनाते हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बाबू। देख सकते हैं काफी चाव से बच्चा खा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा। थोड़ा चावल के साथ मिला खाते हैं। लाजवाब टेस्ट है भाई। चलिए दोस्तों फटाफट खा करते हैं खत्म। और आपको कैसा लगा ये वीडियो वो कमेंट में जरूर बता दें और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करिएगा। इस तरह का वीडियो होटल और रेस्टोरेंट का, मटन चिकन और पूरा रांची का शेयर कराने वाला हूँ, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करिएगा। और देख सकते हैं हमारे पास मटन, ये काफी शानदार मटन है भाई।